अपनी माँ को वो मैं होते ना पद्धी पद्धी पे ले रहे नहीं, मतलब वो सैर करा के। हाँ और मेरे जो बहन अपने बहन भाइयों की चाचा और फूफी की वो बहुत केयर करते थे, उनके पूरे खानदान की केयर करते थे, और साइमल्टेनियसली अपनी बीवी बच्चों की भी वो बहुत ही केयर करते थे। मेरी मदर विष्णु की थी, हालांकि वो एक पढ़ा लिखा खानदान, उनकी खानदान में तीन जज, इजादी शमसुद्दीन, शहाबुद्दीन, अमीनुद्दीन, ये सब जज थे जी। तो लेकिन मेरी मदर, हालांकि मेरे नाना पटवारी थे और वो स्कूल में मेरी अम्मी को साथ लेके जाया करते थे। तो अभी वो केस के मैं एक दो ड्रामे और भी मैंने शुरू किया, मैं उनको भी मैं कर रही हूँ ट्रांसलेट। तो ये जो था विंटर्स टेल, उसका नाम मैंने 16 साल बाद रखा, और भुटो एक फिलासफर जो है उसमें मैं कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी से मेरी कोई एफिलिएशन नहीं है जी। और ना मुझे पसंद है जाना किसी पॉलिटिकल मीटिंग में। तो लेकिन भुट्टो का फलसफा क्या था, उसने हमारे लिए क्या क्या किया, ये जो हम कहते हैं कि वो बहुत बड़ा ब्रेन था, तो उसके ब्रेन में से हमें क्या मिला, उसका सारा ब्रेन तो हमने उड़ा दिया फांसी में, लेकिन फिर भी जो कुछ वो हमें दे गया वो क्या था, भुट्टो क्यों जिंदा है, उसका फलसफा क्या था, जिंदगी का उसका फलसफा क्या था, मौत का फलसफा क्या था, क्यों उसने रेजिस्ट बहुत नहीं किया, क्यों वो लोगों के कहने पे जेल से सुरंग के जरिए भागा क्यों नहीं, क्योंकि वो बदनामी की जिंदगी नहीं गुजार सकता था बंदा। तो बस अल्लाह ताला ने उसकी इतनी ही लिखी थी। ये किताब मेरे पास इंडिया से एक बच्ची यूनिवर्सिटी की, उसने इंग्लिश में इसको रिसर्च किया था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में। तो वो किताब यहाँ पाकिस्तान में आई तो चौधरी शबीर में, वो जो हमारे एक्स एमपी हैं उनके पास थी, तो उन्होंने मुझे आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं ये बता दूँ कि 1970 से लेके तकरीबन 84 तक हमारी आधी फैमिली वहीं रह गई थी, या पार्टीशन हुई आधी इधर आ गई थी। इवन के उस जो रह गई थी उसमें मेरी बहन, बहनोई, मेरे मामू, खाला, सगी बहन। सगी बहन अच्छा, उनको नाम वगैरह याद है? जी बिल्कुल याद है, मजीदन उनका नाम था, हमारी सबसे बड़ी बहन थी वो, हस्बैंड उनके उमेद खान जो, और वहाँ पे गांव है उसका नाम कोट, सिर्फ कोट ही है उसका नाम। हाँ तो वो वहाँ से थी, तो वो हर साल तकरीबन एक साल वो आया करती थी और एक साल हम जाया करते थे वहाँ। तो इस तरह से जो हम हैं उस कल्चर के बारे में काफ़ी कुछ खुद अपनी आंखों से देखा है। तो फिर मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा मेवाती में जो है ना उधर का कल्चर थोड़ा सा दिखाएंगे। हम बेसिकली नू के इलाके के रहने वाले, जिला गुड़गांव, और थाना हमें नू लगता था हमारे वालदैन को, अभी तो शायद गुड़गांव या मेवात का नाम भी उन्होंने शायद बदल दिया, लेकिन जो वहाँ का कल्चर है ना खास तौर पे, ज्यादातर लोग जमींदार। बीसरू के गांव के लोग जो हैं वो सबसे आगे पढ़ाई में हैं वहाँ, बाकी सारे लोग जमींदारी की तरफ ही हैं। बीसरू वो वाहिद गांव है जहाँ से मेरी अम्मी बिलोंग करती थी, कि जिन लोगों के पास, मैंने इंडिया में किसी के पास घरों में गाड़ी नहीं देखी, उन लोगों के पास गाड़ी। तो सड़कें वगैरह बहुत अच्छी बनी हुई थी, और मेवात के इलाके में जैसे मेरे वालिद का गांव था मरोड़ा, वहाँ भी गए, खाला के घर भी गए और कोट भी गए बहन के घर। मर्द जो है सुबह सवेरे उठ के जो है वो खेतों में चले जाते हैं, और तकरीबन सूरज चढ़ने तक वो काम वहाँ ख़त्म करके हल वल चला के वापस आ जाते हैं, उसके बाद वो सारा दिन बैठ के ताश खेलते हैं। मैं बेओ की बात कर रही हूँ, और जब दिन ताश, सारा दिन वो ताश खेलते हैं, बी इंडियन बाई इंडियन, बी इंडियन बाई इंडियन। तो वहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं आती थी, अब हम पाकिस्तान से गए थे या जाते थे, तो उनके लिए वो बड़ा अजीब था, वो हमारी कोई घड़ी को गौर से देख रहे हैं, कभी वो जूतों को गौर से देख रहे हैं, कभी कपड़ों को गौर, वो चीज़ें जिनके बारे में हम तो कभी कॉन्शियस ही नहीं हुए। तो हमारे यहाँ तो बहुत सी चीज़ें इम्पोर्ट होके आती, तो फिर वो बड़े इससे फैसिनेट होते थे गाँव के लोग,
फिर जब हमारे ताल्लुकात इंडिया के साथ कुछ ज़्यादा ख़राब हुए हैं अबाउट पाँच पिछले मोदी और इससे कुछ अर्सा पहले इंदिरा गांधी के टाइम में भी जब वार हुई है तो जब पट ये बांग्लादेश बना है तब की बात कर रही हूँ मैं, उसके बाद से आना जाना जो है वो काफ़ी कम हो गया। फिर मेरी बहन की भी पहले बहन भाई की डेथ हुई फिर बहन की भी डेथ हो गई, उनके बच्चों से कभी कभार रही मुलाकात मगर फिर वीज़ा इशूज आ गए फिर दोस्ती बस का चक्कर, मगर फिर भी काफ़ी पाबंदियाँ अभी भी काफ़ी पाबंदियाँ हैं। नंबर की बस कहाँ जाती है तो इतनी देर में बस आई उसके ऊपर जो कुछ लिखा था वो हिंदी में लिखा हुआ था तो हाँ तो मैं वहाँ लड़के खड़े हुए थे दो तीन, मैंने उनसे कहा मैंने कहा भाई यू बस कहाँ जा रही है, तो उसने मुझे नीचे से ऊपर तक देखा वो देखा था लगे तो पढ़ी लिखी है लगे तो पढ़ी लिखी है अब पता ना है पूछ लिए कहाँ जाएगी बस तो ये इस तरह की चीज़ें हम चाहो पीएचडी कर जाए आला हिंदी हमारे जन्म। हाँ और अब तो वो फिर एक और वो वाकया था बड़ा कि बस में बैठ गई मैं बस आई बस में चढ़ गए तो मैं और मेरी बहन थे तो और मेरी अम्मी भी थी तो मेरी बहन थोड़ी सी अभी अम्मी के भी पीछे थी तो मैं जाके बस में बैठ गई सीट पे और मैंने यहाँ पे अपना पर्स रख लिया कि मेरी अम्मी आएंगी वो ज़रा बूढ़ी है तो वो बैठ जाएंगी। एक नौजवान लड़का तो भाई तरह का आया, उसने वो शायद कॉलेज बैग पकड़ा हुआ था, आया उसने वो मेरा पर्स उठाया उसको मेरी गोदी में रखा और हंच करके बैठ गया। हम चूँकि पाकिस्तान में इस तरह से लेडीज के साथ एकदम से जाके नहीं बैठते, बल्कि कोई बैठा भी हो तो अपनी अम्मी बहन के साथ बैठा भी होगा तो वो उठ जाता है कि आप बैठ। तो मैंने उसे कहा मैंने अपनी अम्मी के लिए जगह रखी, कहता बैठ जाएगी तेरी माँ भी शॉपिंग के लिए गई थी तो वहां से वापस बैठ जाएगी तेरी माँ भी। तो फिर जाहिर है मुझे उससे कुछ कहना नहीं बनता था, वो दूसरे लड़के से कहता वैसे तो कह हम बराबर है हम बराबर है तो रहो बराबर। खैर फिर मतलब मैंने उसको कुछ नहीं कहा, मेरी अम्मी आई तो मैं फिर सीट से उठ गई, मैंने अम्मी को उठा दिया मैंने कहा, लेकिन वो नहीं उठा। तो फिर तो मुझे ख्याल आया कि पाकिस्तान में हम लोग औरतों की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, यहाँ पे आप बैंक में खड़े हैं तो या तो कतार अलग है या आपको फर्स्ट लेडीज फर्स्ट का वो हो जाता है, बस में बैठे हैं तो वहाँ पे आपको अलग से उनके खाने मिल जाते हैं, और अगर कोई मर्द अपने खाने में भी बैठा और कोई औरत बुढ़ी आ जाए तो वो उसको जगह दे देता है। तो यहाँ पे औरत की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट, और ये तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं हो ना कि कोई किसी साथ इस तरह टच कर दे, कर दे तो मुसीबत खड़ी हो जाती है, उस बंदे बेचारे को अपनी जान छुड़ाना मुश्किल। तो इस तरह से कुछ चीज़ें हैं जो कल्चरली हैं वो, और ये चीज़ वैसे मैंने सारी दुनिया में ही नोट की है जितनी रिस्पेक्ट औरत की पाकिस्तान में दुनिया के किसी हिस्से में नहीं, कहीं भी नहीं है, ना अमेरिका में ना स्विट्जरलैंड में ना सऊदी अरब में ना इंडिया में, कहीं भी नहीं। इक्वल राइट्स सब भी जगह है मगर ये कि रिस्पेक्ट वाली बात जो है ना। अब आपने जब लिखना स्टार्ट करो तो आप कौन सी क्लास में हार, आपने कैसे मतलब कहाँ सोची कई चीज़ से इंस्पायर होया कि आप किताब लिखने की मजबूर है? मैं जब एम इंग्लिश कर रही थी तब की बात बता रही हूँ, उससे पहले कोई इतना ज़्यादा वो नहीं था इसी तरह फोकस, तो उस वक्त मुझे शेक्सपियर का यह ड्रामा जो विंटर्स डे 16 साल बाद जिस तरह मैंने उर्दू तर्जुमा किया है उस वक्त मैंने उसको इंग्लिश में ही पढ़ा मगर वो मुझे इतना अच्छा लगा कि मेरा जी करे कि मैं इसको इतना आसान बना दूं कि सारे लोगों को ये बात समझ में आए, क्योंकि उसमें एक किंग है और वो अपनी बीवी पे वो अपने दोस्त को 3 महीने के लिए रखता है अपने घर, वो भी दूसरी कंट्री का किंग है, और फिर वो उसके ऊपर शक करता है अपनी बीवी के, तो मतलब वो फिर उसके बाद वो उसको जेल भेज देता है, दोस्त चला जाता है, उसके मर्डर का प्लान बना देता है, उसकी बीवी की बेटी होती है उसको भी छीन के जंगल में फिंकवा देता है जेल में से, तो
सारे हालात जो 16 साल के बाद बदलते हैं, जब उसको पता लगता है कि मैंने क्या गलत किया, मैंने अपनी नेक बीवी को खो दिया, बिकॉज उसको समझ ही आती है शायद वो मर गई, जबकि वो उसकी एक दोस्त होती है, वो उसको बचा लेती है, छुपा के रखती है। तो वो ड्रामा तब मुझे पहली दफ़ा ये ख्याल आया कि इसको जो है मैं ट्रांसलेट करूँ। फिर इसको ट्रांसलेट करते करते ही एक दिमाग का क्रिएटिव जो हिस्सा है ना, वो शायद ओपन होने लग गया। तो फिर वो मैंने साथ ही पोइट्री भी शुरू हो गई, लेकिन पोइट्री उसको मैं ऐसे ही था, आइडिया आया तो रफ पे लिखे पेज रख दिया, फिर आया तो उसमें फाइल बन गई उसकी। उसको फिर मैंने काफ़ी देर बाद मैंने उसको जो है वो मतलब शेक्सपियर को फिर मैंने 92 में ट्रांसलेट किया, फिर 94 में मैंने वो पोइट्री की बुक की, फिर उसके बाद जो है वो जो है अपनी फिर मैं भावलपुर में थी, बच्चे मेरे छोटे थे उस वक्त मेरे पास, तो वहाँ की एक छोटे इतने थे कि वो मेरे साथ चले जाते थे लाइब्रेरी बच्चों के सेक्शन में, भावलपुर की लाइब्रेरी थी, वहाँ पे फिर मैंने इसके भुट्टो के बारे में रिसर्च की, सारे भुट्टो के दौर के सारे अखबार इंग्लिश उर्दू ये सब निकाल दिए, वहाँ से फिर उसकी इंफॉर्मेशन या उसने अपना टाइम में क्या क्या किया, कैसे था, इंग्लिश उर्दू के सब अखबार निकाल के उसकी रिसर्च की, वो अभी भी मेरे पास अखबार थी वो पढ़ी हुई सारी थी, तो फिर मैंने ये भुट्टो एक फिलासफी लिखी। इसी तरह से फिर बीच में जॉब्स, बच्चे, पढ़ाइयाँ, पिक एंड ड्रॉप, घर की जिम्मेदारियाँ इतनी थी कि मैं काम नहीं कर पाई, लेकिन वही हुआ कि जो कुछ जहन में आता रहता था वो मैं नोट करके फाइलों में जैसे लिखनी पड़ी तो रख देती थी अलमारियों में, 2-3 अलमारियों में सारा काम लिखा हुआ पड़ा है, अब उसको रिफाइन करने की स्टेज में। अब बच्चे बड़े हो गए हैं, बड़ी बेटी की शादी कर दी है, बाकी दो भी जॉब्स कर रही हैं, तो अब मेरे पास सुबह से लेकर शाम तक वो टाइम है जो खास जो आप बात कर रहे हैं उसकी वजह बेसिक वजह जो वो जो मैं जान पाई वो ये है कि मेयो कौम कभी किसी के गुलाम नहीं, इसलिए उनमें वो ओबीडियंस वाला लेवल जो है ना बहुत कम है, चापलूसी वाला भी नहीं है, तो इस वजह से वो थोड़े से कहीं आप करख्ती कह लें, नाशायस्ती कह लें, इस तरह के हो जाते हैं, लेकिन अदरवाइज ये है कि मेयो में मैं इसको जो आप कहते हैं करख्ती, या अगर कहीं हम अपने मेयो होने को भी समटाइम्स छुपाते थे, अभी भी छुपाते हैं लोग, उसकी सिर्फ एक ही तरीका है कि मेयो अपनी ख्वातीन को और बेटियों को तालीम दें, और जिस लेवल तक भी वो बच्चे पढ़ना चाहें उनकी हेल्प करें, क्योंकि मैंने अपनी बच्चियों को भी यही बात बताई है कि तालीम इज्जत आपको देती है, आप मुआशरे में किसी भी मेज़ पे बैठ के बात कर सकते हैं किसी भी बंदे से, किसी भी दुकान में, किसी भी मार्केट में आप सेंसिबली बिहेव कर सकते हैं, और दूसरी बात यह है कि तालीम आपको इज़्ज़त भी देती है और पैसा आपको बखुद आपके पीछे भागता है, आपको उसके लिए किसी की मिन्नत करने की ज़रूरत नहीं है, और कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, लेकिन तालीम हासिल करना बहुत ज़रूरी है अपने दिमाग को रोशन रखने के लिए, अपने अखलाक को बेहतर करने के लिए। तो मेरा नौजवानों से और यंग पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट है, हालांकि अभी याद कर तो खैर रेशो काफ़ी अच्छा जा रहा है पढ़ाई का मेयो में, लेकिन ख़ास तौर पे तो बुजुर्ग हैं अपनी बेटियों की तालीम पे और बेटियों की तालीम पे और बेटों की तरबियत पे। अब आप कहेंगे कि बेटों की तरबियत क्या, बेटों की तरबियत यह है कि ये सिखाएं कि औरत और मर्द दो इंडिविजुअल्स हैं और दोनों को बराबरी का जो है उनके साथ सलूक करें, क्योंकि वो बच्चा जो जिसको अपनी माँ ये बताएगी ना कि बेटा जब तू घर स्कूल जा रहा है तो अपने कपड़ा इस्त्री कर ले, कोई हरज कोई ना, ज़रूरी नहीं है कि बाहर तेरी जो है वो करके दे, हाँ तेरे बूट गंदे हो रहे हैं बेटा साफ कर ले, अपने बूट पॉलिश कर ले, और चलो नाश्ता
तेरी बहन बना रही है, तू कुछ और काम ऐसा कर ले, मतलब वहां में बराबरी को जो है ना हिस्सेदारी बहुत जरूरी है। वासु आपके घर का माहौल भी ठीक होएगा और वह बच्चा कल को जब उनकी शादी होंगी, उनके बच्चे होंगे, तो वह माहौल बदल देंगे, बिल्कुल माहौल बदल। फिर औरत है कोई अपने वास्ते इत्तेजाज करने की जरूरत ना है कि हम औरत, हाँ कि औरत मार्च करें, मर्द मार्च करें, इक्वल जेंडर जो है वो जेंडर इक्वलिटी पे काम करें, नहीं इनकी जरूरत नहीं है। माइंड ठीक हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, बिल्कुल। मैं आपके पास करूँगी अगर एक लड़की पढ़ेगी तो और शादी होगी आगे पूरा माश हो बना सके, बिल्कुल ऐसे ही। अगर ना पढ़ेगी तो अगर तो रहने हैं, लेकिन मुंह से ना रिफाइंड जो है ना वो कालीन कर दिया आपको, मेरा तो पैगाम यही है। बहुत शुक्रिया जी आपको, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपका आना, बहुत अच्छा लगा, और आप जो काम कर रहे हैं वो और भी अच्छा लगा।